प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पुरस्कारों के लिए उनको भागना पड़ता था। हम चूंकि हम भी इसी फ्रेटर्निटी से हैं, आजकल हम वहाँ सरकार में हैं, हमने प्रार्थना करी श्री अमीर चंद जी से, संस्कार भारती के सूत्रधार हैं, कर्ता धर्ता हैं, और आजकल आपके सलाह से कलाकारों के हित सिद्ध होते हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार कलाकारों के द्वार आए, और मुंबई में सब होनी है, उसके नाते आज ये आगमन हुआ, और एक बहुत बड़ा निमंत्रण भी है जो मैं चाहता हूं कि अमीर चंद जी खुद अपने मुंह से दें। मनोज जी ने जैसा कहा कि सरकार इस क्षेत्र पर भी और स्वयं पहल करे, आगे कदम उठाए, मनोज जी ने पहल किया है, ये सरकार का ही कदम है, और मुझे भी उपस्थित रहने का अवसर मिला कला क्षेत्र से ही, इस पहल का मैं समर्थन भी करता हूँ, स्वागत। सर, आपने अभी अभी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का नाम लिया, लेकिन आज तक जो भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का किरदार उन्होंने किया था, वो डूबी जी और सुनील हरी जी, आज तक किसी भी सरकार ने उनको किसी भी अवार्ड के लायक नहीं पूछा। पद्मश्री तो दूर की बात है, छोटा सा अवार्ड उनको आज तक नहीं मिला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ठीक है कि सरकारी सरकारों का सम्मानों का अपना एक महत्व, लेकिन ये भी सच है कि जिसको रामाश्रय मिला वो राजाश्रय की बहुत चिंता नहीं करता है, और आज भी वो दुनिया के और समाज के जहाँ वो उतने पुरस्कृत है, शायद जिनको पुरस्कार मिला 70 सालों में आज से पहले उनको कोई आज याद नहीं करता, लेकिन जिन किरदारों की आपने चर्चा की है आज भी वो जनमानस में बैठे बसे हैं। तो सच पूछिए, कलाकार तो समाज से और जनता से नहीं। देखिए, अभी तो जिस प्रकार से हमारी 4 साल की सरकार हुई, इसमें भी बहुत लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को जा करके चुना गया है, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके द्वार सरकार आ सकती, और ये जो अगला 6-7 महीना होगा मुंबई में रह रहे कलाकारों के लिए बहुत खास होगा, इस बात की मैं आपको एक मजबूत आश्वासन दे सकता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि अभी तक हम लोग सिर्फ कान से सुनते थे, दिल्ली में बैठ करके लोग जो है वो कान से सुन लिए, और जो कान में आया उसके आधार पे डिसीजन ले लिया। अब हम लोग स्वयं आ रहे हैं, और हम लोग कान से सुने और आंख से देखे, प्रत्यक्ष लोगों के बीच बैठ के उन कलाकारों को उनका हक मिले, इसके लिए आगे योजनाएं बना। मैं समझता हूँ कि अपना संपर्क हर स्तर पे हो रहा है, जैसे हम अलग अलग रीजनल इंडस्ट्रीज के साथ भी मिल रहे हैं, टीवी इंडस्ट्रीज के साथ मिल रहे हैं, और भी जो बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े सफल हैं, हम लोग सुभाष घई जी से भी, और आपने देखा होगा संजय दत्त जी को भी हमारे यूपी के सीएम ने मिला है, उनको मिले हैं, और उनको हम एक अलग ढंग से अप्रोच कर रहे हैं, और हम सबके दरवाजे जा रहे हैं, चाहे वो खान फैमिली के लोग हो, या फिर हमारे अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन जी हो, संजय दत्त जी हो, हमारे लिए एक जो लाइन है नरेंद्र मोदी का, सबका साथ सबका विकास, उसको हम पालन कर रहे हैं। जो अलग अलग हम संख्या गिनाए व्यक्ति का नाम, ये कुंभ जो है, कुंभ में जितने बड़ी संख्या में कलाकार भागीदार बन जाए, ये शायद
आजादी के बाद पहला ऐसा उत्सव होगा कला क्षेत्र में और साहित्य जगत के लोगों के लिए जो अपनी भागीदारी इसमें देने वाले हैं और इस संस्कृति को दुनिया के पटल पर अपने अपने तरीके से कौन कौन सा और स्टेट होंगे जैसे यूपी इलाहाबाद हो गए इसके अलावा भी कौन स्टेट होगी कुंभ के विषय में केवल एक दो स्टेट नहीं है बल्कि आप ये देखिए कि कोई राज्य न छूटे इसकी तैयारी उसमें अरे साउथ के जो साउथ भारत में नहीं कह सभी राज्यों के चाहे वो केरल हो कर्नाटक हो तमिलनाडु हो आंध्र हो तेलंगाना हो मणिपुर हो मिजोरम हो कच्छ हो कन्याकुमारी हो गुजरात हो कोई राज्य नहीं छूटेगा सभी राज्यों की संस्कृति सभी राज्यों के कार्यक्रम वहाँ 40 दिन के अंदर देखने को मिलेंगे ये सरकार उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय इस प्रकार की योजना पर विचार कर रहा है और मैं समझता हूँ कि उसमें सफलता भी उनको मिलेगी और कला जगत भी बहुत ही उत्साहपूर्वक और आप सभी भी जैसा कि हमारे मीडिया का भी मैं ऐड करना चाहता हूँ तो समय उस कुंभ को कवर करने हम मुंबई से भी मीडिया की टीम को आमंत्रित करने वाले हैं ताकि आप सिर्फ कैमरे की नज़र से नहीं अपनी नज़र से भी उन सारे भारतवर्ष के ऐश्वर्य को देख सकें थैंक यू वेरी मच हमारे सारे कलाकार भाइयों का और मेरी इंडस्ट्री के सारे भाई और बहनों का स्वागत करता हूं। यहां मैं मनोज भाई के घर पे जा रहा हूं ये भी मुझे नहीं पता था कार्यक्रम होने वाला है इसके विषय में मनोज भाई के घर पे जब गया तब पता चला लेकिन एक आज के बाद इस गंगा मैया के गोद में उस भगीरथ ने गंगा का अवतरण करवाया था और ये भगीरथ और संस्कार भारती नाम का जो भगीरथ है वो क्योंकि कल्चर जहां है वहां वल्चर नहीं हो सकते और बिना कल्चर का समाज वल्चर है हमारे आसपास में हम ऐसे राष्ट्र को देखते हैं तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि ऐसे कल्चर रूपी गंगा में हम भी सम्मिलित हो और यहाँ हम सबको आमंत्रित किया आप सब लोग यहाँ आए इसलिए आपका बहुत बहुत आभार राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़